ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर क्या लग रहा है, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। इस जगह पर गांव सैद है, ये गांव हीरानगर के थाना के क्षेत्र का है। इस जगह ये नमूदार हुए, देखिए। तो उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर SHO और SDP की टीम मौके पर पहुँची, और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर होस्टेज वाले भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। तीन उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन र्यूमर्स पर ना जाए और हम इसका पहले कन्फर्मेशन देंगे उसके बाद ही हम कुछ। छत्रकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। सर कहा जा रहा है कि ग्रेनेड्स का हमला भी हुआ है सिविलियंस पर। इसके अभी ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं सारी, तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। सर क्या लग रहा है, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन? ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30-8 बजे के आसपास। तीन दिनों में दो हमले हुए हैं सर जम्मू में, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है, किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है, तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है अभी। RR कैंप को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं है? छत्रकला वाला जी, छत्रकला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस का जॉइंट नाका होता है उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.